हेलो फ्रेंड्स, कल हमने जो ऑपरेशन किया है वो एंडोमेट्रियोसिस के लिए किया है। 23 ईयर ओल्ड गर्ल है, उसको 7-8 साल से मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है, यानी कि मेंसेस के टाइम पे काफी ज्यादा उसको दर्द रहता था। 3 से 4 दिन तक पूरा उसको छुट्टी लेनी पड़ रही थी, दिन में 3 से 4 इंजेक्शन उसको डेली लगाने पड़ रहे थे। सोचो कि आप 3 दिन तक लगातार 3 इंजेक्शन लगाना हर महीने, और उसके पापा को हर महीने 3 दिन घर पे बैठना पड़ता था उसके पास, क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती थी, इमरजेंसी में एडमिट कराना पड़ जाता था, ड्रिप्स लगानी पड़ती थी, इंजेक्शन लगाने पड़ते थे। तो पूरी फैमिली वाज एक्चुअली कांट मूव आउटसाइड एट 3 डेज। नाउ शी इज फीलिंग मच बेटर एंड Hopefully she will not now required any injections after this operation. कब से परेशानी चल रही है? 7-8 years. क्या क्या परेशानी थी आपको? बेसिकली बहुत ज्यादा पेन होता था जब पीरियड्स आते थे और इंजेक्शंस लगते थे, और फिर बहुत टाइम तक डायग्नोसिस भी नहीं हुआ था। उसके बाद में जब मैं आपके पास आई थी, फिर आपने डायग्नोस किया। तो हर महीने इंजेक्शन लग रहे थे? हर महीने। और कितने इंजेक्शन लगते थे? एक दिन में 2 से 3। एक दिन में 2 से 3? एक दिन में 2 से 3, और कभी कभार 2-3 दिन लगा था स्टार्टिंग। मतलब 8-9 इंजेक्शन? 8-9 इंजेक्शन। 2-3 इंजेक्शन एक दिन में लगाना, और वो भी हर महीने लगाना, वो भी 2-3 दिन लगाना, क्वाइट इंक्लूसिव आपके ये ड्रिप्स के अलावा? ड्रिप्स भी? अच्छा, कभी कभार। ओके, ड्रिप्स भी लगानी पड़ रही। और ये 7-8 साल से चल रहा है। हाँ। तो वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल ना, बट इतना सफर करने की जरूरत ही नहीं है ना, देयर इज ऑलवेज अ ट्रीटमेंट अवेलेबल। जिनसे भी बात करें ना, वो इस चीज को जिस तरीके से आपने कन्विंस किया, हाँ, वैसे हमारे वो कन्विंस नहीं कर पाए। ओके, दे ऑलवेज सेड कि हाँ हम इसको पिकअप कर लेंगे, एक एक को पंचअप कर लेंगे, ये कर लेंगे, फिर वापस साल डेढ़ साल। ठीक है, वही बात आपने कही, लेकिन तरीका अलग था, जो अंदर तक गया समझ में आया। DIE बोलते हैं, डीप इनफिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस। हम यही कहते हैं कि इसमें डाई नाम इसका पता नहीं अपने आप पड़ा है, मतलब शॉर्ट फॉर्म DIE इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डीप इनफिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस, बट ये अपने आप में डाई है। सर्जन की भी डाई है और पेशेंट की भी डाई है, क्योंकि हमें भी पूरा उसके साथ पेन ऑल्सो फेल्ट लाइक DIE। यस, मैं ये तो बता रही हूँ, पेशेंट के लिए भी DIE वाली कंडीशन है और सर्जन के लिए भी। 8 साल से तारीख 8 से लेकर के 11 तक, एक बार इसका पीरियड नहीं हो, ये 4 दिन मेरा वर्क फ्रॉम होम नहीं, मेरा पूरा लीव भी होम होता है। कभी भी 24 घंटे में कभी भी ये कॉल होता था, मैं भाग के रात को, दिन में, सुबह, शाम, प्लस एक बार तो 3-4 दिनों में निकल ही जाता है कि इट्स मच बेटर टू DIE देन लिव थ्रू दिस। लेकिन स्ट्रॉन्ग गर्ल। अच्छा, सर्जरी कल हुई है, 3 घंटा सर्जरी हुई है, अभी कैसा लग रहा है? अभी मच बेटर, 12 घंटे करीब हुए हैं आई थिंक, है ना? मच बेटर। अभी कोई दर्द लग रहा है आपको? नहीं, डर सर्जरी से पहले जितना डर लग रहा था, डर तब बिल्कुल नहीं लग रहा, अब नहीं है। तो अब आपको क्या फील हो रहा है कि जो मैं 7-8 साल से दर्द सहन कर रही थी और जो सर्जरी में इतना कुछ पेन हुआ जितना सहन किया है? नहीं, उतना नहीं हुआ होगा। 100% आई एम वेरी मच श्योर, दैट इज श्योर कि सर्जरी में इतना पेन नहीं होता जितना आप उस 3 दिनों में झेलते हैं। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू ना, दैट इज ट्रू। और अब आप आराम से आज घर जा सकते हैं, घूम फिर पा रहे हैं, बिल्कुल कुछ खाया पिया है आराम से, एक अच्छे से स्माइल भी आप दे पा रहे हैं, है ना? थैंक्स टू यू। लेकिन सर्जरी में इतना डर नहीं जितना बीमारी में डर है। बीमारी तो बहुत ज्यादा डर था। बीमारी ज्यादा खतरनाक है बजाय सर्जरी के। सर्जरी इज द ट्रीटमेंट फॉर यू, आपकी बीमारी हम दूर कर रहे हैं, और बीमारी को आप पाल पोस रहे हैं जब तक कि आप उसका इलाज नहीं करा रहे हैं। एक्चुअली क्या, अपने फीमेल्स को क्या कहोगे आप 8 मार्च के लिए, क्या आपका मैसेज है? कि डेफिनेटली नंबर 1 इज दैट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योरसेल्फ डायग्नोसिस, एंड डायग्नोसिस शुड बी लाइक वेरी राइट, फॉर दैट अ राइट डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड डॉक्टर सुशीला मैम। एंड इफ देयर इज अ डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट दैट रिक्वायर्स सर्जरी, इट्स मच बेटर टू टेक दैट रादर देन लिव अ लाइफ दैट इज मच पेनफुल, एंड डोंट DIE विद